अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 की रीडिंग करेंगे जो कि फूड एंड हेल्थ है। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ कॉमन फूड, यानी इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कॉमन फूड के सोर्सेस जान सकें। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजर फूड ग्रुप्स, फिर हम जो मेजर फूड के ग्रुप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्लासीफाई डिफरेंट फूड इनटू देयर बेसिक ग्रुप्स, फूड की जो ग्रुप्स हैं उनको क्लासीफाई कर लेंगे। इंटरप्रेट अ फूड पिरामिड टू शो द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस फूड ग्रुप्स, एक पिरामिड में हम फूड के डिफरेंट ग्रुप्स को शो कर सकेंगे और फिर उनका रिलेशन शो करेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डाइट के दरमियान फ़र्क बता सकेंगे। सजेस्ट अ बैलेंस्ड मील फ्राम द गिवन लिस्ट ऑफ फूड्स एंड गिव रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई ईच फूड वाज चूजन। हम फूड एक बैलेंस्ड मील का हम लोग एक चार्ट बना सकेंगे गिवन फूड में से, यानी हमें जो फूड आइटम दिए होंगे उनमें से हम एक बैलेंस्ड मील का चार्ट बना सकेंगे या लिस्ट बना सकेंगे। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस्ड डाइट ऑन हेल्थ, अनबैलेंस्ड डाइट के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं हेल्थ पर उसको हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। एक्सप्लेन हाइजीन एंड इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स, सफाई और उसके जो बुनियादी उसूल हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। यहाँ पर आ जाएं, इस पेज पर हमें एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी हमें करनी है। यानी लास्ट वीक में जो भी हमने फूड यूज़ की है उसको हम यहाँ फिलअप करेंगे। इस चार्ट में देखिए यहाँ डेज दिए हुए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, और इस तरफ फूड के आइटम्स दिए हुए, मीट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं और सीरियल्स और फैट्स हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कि देखिए अब लास्ट वीक में मैंने मंडे को मीट खाया था, फिर मैंने थर्सडे को, फिर इसी तरह मैंने सैटरडे को, तो इस तरह फ्रूट्स के बारे में आप लिखेंगे कौन कौन से डे आपने फ्रूट खाया है, फिर बाकी भी इस तरह फिलअप कर लेंगे। वी ईट डिफरेंट फूड्स एवरी डे, हम हर दिन मुख्तलिफ तरह की खुराक खाते हैं। ऑल द फूड दैट वी ईट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स, जितने भी फूड हम डेली लेते हैं उसको हम इन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, पहला ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी टू परफॉर्म वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को इंस्टेंट मतलब एकदम से ताकत देते हैं काम करने की। इनमें है पोटैटो है, वीट है, राइस है, कॉर्न एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्वीट फ्रूट्स कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आलू में, गंदम में, चावल में और मकई में और तमाम मीठे जो फ्रूट्स हैं ना उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कैन यू नेम सम स्वीट फ्रूट्स, कहते हैं क्या आप कुछ मीठे फलों के नाम ले सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ मीठे फलों के नामों की लिस्ट बना लें। नंबर टू पर है प्रोटीन्स, फूड विच कंटेन प्रोटीन्स आर मीट, चिकन, एग, पल्सेस, मिल्क सेल्ट्रा। वो फूड जिसमें प्रोटीन पाई जाती है वो कौन कौन सी है, मीट है, चिकन है, एग है, पल्सेस, मिल्क वगैरह। प्रोटीन शुड बी टेकन डेली बिकॉज दे हेल्प इन ग्रोथ एंड हीलिंग ऑफ वॉर्म्स। अब प्रोटीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में वो क्या है कि वो हमारे ज़ख्मों को हीलअप करती है, ठीक करती है। प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी, प्रोटीन हमारी बॉडी के ब्लॉक्स को बनाती है, मतलब ये कि हमारी बॉडी की बिल्डिंग करती है, ग्रोथ करती है। दे मेक अवर फ्लैश, वो हमारा गोश्त, ये मसल जो है ना ये वो बनाती है। और नेल्स, हेयर एक्सेट्रा आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, हमारे नाखून और बाल भी प्रोटीन की वजह से ही ग्रोथ करते हैं। कह रही हैं डू यू नो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड
इंस्टेंट एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स जो एकदम से एनर्जी देते हैं बॉडी में। डॉक्टर्स गिव ग्लूकोज टू वीक पेशेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रिप। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो वीक पेशेंट्स होते हैं उनको ग्लूकोज लगाते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म होती है। आपने देखा होगा ना कभी इस तरह होता है, वॉमिट हो जाए, डायरिया जैसे कहते हैं वो हो जाए, तो हॉस्पिटल जाते हैं तो एकदम से ड्रिप लगती है, यानी वो जो हमारी बॉडी में जो कमी हुई होती है उसको पूरा करने के लिए ग्लूकोज लगाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एकदम हमारी बॉडी को हेल्दी कर देते हैं, हम एकदम से अपने आप को बेहतर महसूस करने लगते हैं। नंबर थ्री पर है फैट्स। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कहते हैं फैट्स ऐसे हमारे फूड का आइटम है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की निस्बत हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अब फैट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, आयल, घी, पीनट्स, अदर नट्स, योक ऑफ एग, मिल्क, बटर, क्रीम, सेल्ट्रा, ऑल कंटेंस फैट्स। कहते हैं अब ये ऑयल है, घी है और पीनट्स है और इस तरह के दूसरे जो भी नट्स हैं, योक ऑफ एग और दूध और मिल्क, बटर, क्रीम, ये चीज़ें जो हैं इन सब से हमें फैट्स मिलती हैं। फिर आगे है विटामिंस। विटामिंस आर फाउंड मोस्टली इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब विटामिंस का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आगे देखिए, कह रहे हैं डू यू नो, एक टिप बता रहे हैं, कहते हैं कि आप जानते हैं विटामिन डी इज़ फाउंड इन मिल्क। विटामिन डी जो है वो किस में मिलता है, मिल्क में। और विटामिन ए इन कैरेट्स, विटामिन ए इन कैरेट्स में है, विटामिन सी इन ऑरेंजेस एंड विटामिन बी इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। यानी विटामिन बी किस में पाया जाता है, ग्रीन पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनमें। अब नंबर फाइव पर आ रहा है मिनरल्स। जस्ट लाइक विटामिंस, मिनरल्स आल्सो हेल्प अस टू ग्रो, डेवलप एंड स्टे हेल्दी। द बॉडी यूज मिनरल्स टू परफॉर्म मेनी डिफरेंट फंक्शंस लाइक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एक्सेट्रा। अब मिनरल्स भी विटामिंस की तरह हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में और हमें हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिनरल्स हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रखते हैं और हमारे टीथ को भी। अब यहाँ पर भी एक की पॉइंट है, कहते हैं डू यू नो, कि क्या आप जानते हैं डिफरेंट मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट फूड्स। कहते हैं डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो डिफरेंट फूड्स में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम इज़ फाउंड इन मिल्क। कैल्शियम जो है वो किस में है, मिल्क में है, यानी कैल्शियम भी एक मिनरल है। फिर चीज़, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, यानी चीज़ में भी और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में भी कैल्शियम पाया जाता है। आयरन इज़ फाउंड इन मीट। आयरन भी क्या है, मिनरल है, वो किस में पाया जाता है, मीट में, एग में, एप्पल में, स्पेनिश में। पोटेशियम इज़ आल्सो अ मिनरल, इज़ फाउंड इन बनाना, टोमेटोज, बीज, पीस, पीनट्स एक्सेट्रा। अब पोटेशियम भी एक मिनरल है, देखें पोटेशियम और कौन सा है, कैल्शियम, ठीक है, ये क्या है, मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी की ज़रूरत के लिए हैं और इन आइटम्स में पाए जाते हैं। एंड एट द लास्ट वाटर, आपको पता है पानी हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। वाटर इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड। इट हेल्प्स टू कैरी आउट ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़। हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे। कहते हैं कि पानी जो है हमारी ज़िंदगी का, हमारी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। ये हमारी ज़िंदगी का तमाम जो दारोमदार है, इन्हज़ार है, वो पानी पर है। कहते हैं कि क्या आपको पता है कि एक दिन में हमें कितने ग्लास पानी पीनी चाहिए। हाँ जी, एक दिन में हमें 6 से 8 ग्लास या 8 से 12 ग्लास पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 12 ग्लास हैं और कम से कम 6 है। 6 से 8 भी हो सकते हैं, 8 से 12 ग्लास भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक टिप है, वी शुड ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड लेस अमाउंट ऑफ फैट्स। कहते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मिकदार में लेने चाहिए और फैट्स जो हैं वो हमें कम मिकदार में लेने चाहिए। ये आपकी आज के लिए रीडिंग है।